नमस्कार, आप देख रहे हैं विज्ञाना न्यूज, में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। महिला सशक्तिकरण, महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग द्वारा म्याना थाना में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सुरक्षा संवाद पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें से महिलाओं की रक्षा के बारे में जानकारी दी गई। महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, महिला हेल्पलाइन आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी राकेश गुप्ता एवं महिला बाल विकास के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं जन सामान्य लोग भी मौजूद रहे। इसमें समझाया जाएगा के बारे में, कई जो अपने कानून होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ये सबसे पहले मैं आप लोगों से बस एक थोड़ा सा पूर्णता, बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह है क्या, कोई भी थोड़ा सा खड़े होके कोई भी लड़की आज या कोई भी बताए, बस यदि 21 वर्ष से कम आयु म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। समाजसेवी संस्था सेवा भारती ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य। वहीं अपने उद्बोधन में मंत्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। 5,000 रूपए इसका शिक्षण शुल्क, साथ ही पूरा एक वर्ष का 15,000 रूपए देने की घोषणा कर रहे हैं। मैं उनको समिति की तरफ बाल विकास एवं पुलिस विभाग ने मिलकर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन सिटी कोतवाली में किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को उनके सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए, साथ ही बताया गया कि किस तरह से उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है। थाना प्रभारी विवेक अस्थान ने बताया कि मोबाइल केवल खेलने की चीज नहीं, इससे आपकी सुरक्षा भी संभव है। इसी के साथ उन्होंने विषम परिस्थितियों में किस तरह से मोबाइल का उपयोग करना है, इस पर भी जानकारी दी। ये प्रूफ है आपके पास, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। महिला खासतौर से बच्चियां, सब लोग आजकल मोबाइल का यूज करते हैं। मैं सब जगह यही बोलता हूं, इसका अपन उपयोग करो। जो मोबाइल में चलता है ना, नेट वगैरह सब डलवा लेते हैं, नेट उपयोग करो, गलत इसका दुरुपयोग नहीं करो। ये चलता फिरता बम है, कहीं भी फट पड़ेगा। इसका बिल्कुल आप लोग उपयोग करिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करिए, मिसयूज बिल्कुल मत करिए इसको। अनजान व्यक्ति से कभी भी उसकी ना तो किसी चीज को लाइक करें ना उसको शेयर करें, बंदे उसको ध्यान दें। अनावश्यक चीजें फेसबुक और इस पे व्हाट्सएप पे ना तो लाइक करिए आप, ना शेयर करिए, और ना खुद भी ऐसी कोई चीज उसमें डाउनलोड करिए जिससे कि गलत असर जाए या आपत्तिजनक होगा। और इस कार्यक्रम में एक तरफा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, जो कोर्ट से मैडम भी आएंगी,
और भी मजिस्ट्रेट लोग आएंगे, आप लोगों को वो कानून के बारे में पूरी बताएंगे। की उम्र थी मेरी जब से मैंने समाज सेवा की। आज ये बालिका दिवस 24 जनवरी को क्या मैं बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है उसी संबंध में आज महिला बाल विकास एवं कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने कोतवाली क्षेत्र की करीब 200 महिला और बच्चियां शामिल हो रही हैं। इनको कानून संबंधी जानकारी देने के लिए अभी हमने गुना की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैडम वर्मा श्रीमती वर्मा अन्य मजिस्ट्रेट एवं हमारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि महिलाओं को इस संबंध में सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मेरा दीनदयाल का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक साथ ही प्रथम ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के विद्यार्थियों सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद आरोन के लगभग 1200 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस संबंध में युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजू यादव ने बताया कि युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 लाख युवाओं को इस परीक्षा में शामिल करने का लक्ष्य लिया था। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, साथ ही विद्यालय मंडल जिला एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से भी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले के विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को कॉफी विद सीएम कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ कॉफी पीने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। आरोन से हमारे संवाददाता चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। ब्राइट हाई स्कूल आरोन में इतिहास का मेले का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 23 जनवरी से 27 जनवरी तक किया जाएगा। पहली बार इस तरह का मेला आरोन में लगाया गया है। इसमें इतिहास को क्रमबद्ध घटनाओं का 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा तक की घटनाओं का ब्राइट स्कूल आरोन के छात्र छात्राओं द्वारा मॉडल एवं चित्रलेख की सहायता से विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, मौर्य कला, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, विदेशी आक्रमण, आधुनिक भारत आदि का वर्णन छात्र छात्राओं द्वारा अपनी कलाकृति के द्वारा दर्शकों को समझाया जा रहा है, जो कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभप्रद है। ब्राइट हाई स्कूल आरोन के ही सुहानी रघुवंशी का मॉडल चयनित होकर जापान के लिए भेजा गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, मैडम, स्टाफ एवं मेरे होनहार विद्यार्थी, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे नगर आरोन में एक नई परंपरा इस स्कूल द्वारा चालू की गई है। अब किसी सदी में लोग अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में इतिहास का ज्ञान बच्चों को आज होना बड़ी आवश्यकता है।
परीक्षा द्वारा जो तैयारी करते हैं, परीक्षा की जानकारी मिले की तो अध्ययन के दौरान ही हमको जानकारी मिले। इसी भावना के साथ बच्चों को 5 दिवसीय इतिहास मेला लगाया जा रहा है, वो उनके जीवन में एक अहम भूमिका अदा करेगा। इसी तैयारी में बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान प्राप्त करें। उनके विद्यालय द्वारा जो बच्चों को टेट किया गया है, वो जो इतिहास की जानकारी मिली वो सराहनीय है। उनमें कामना करता हूँ बच्चे इसका लाभ लेकर आगामी प्रतियोगिता बढ़ेंगे और अपना ज्ञान अर्जन करेंगे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। सीटू कार्यकर्ताओं ने आज रेलवे कर्मचारी गैंगमैन के साथ मिलकर एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत वे पूरे शहर में एक रैली निकाली। रैली के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर कई सारे नारे भी लगाए, साथ ही इसके बाद अधिकारियों से बैठक कर अपनी मांगों को भी रखा। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 वेतन काटा गया पूरा देना होगा, देना होगा, देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ज्यादा ये साहब ने जो कॉल किया सुध नहीं बोली, हां नहीं बस आगे रहिए। डीजे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।